पहले मज़हब नहीं आया, पहले इंसानियत आई है, और इंसानियत आई गई इससे जो है, इससे हमें पता लगता है कि मज़हब जो है ना उसको एक साइड पर रख के पहले इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। प्रधान डिग्री कॉलेज में तालीम कर रहा हूँ सिंपल ऐसे, और अभी कोरोना की वजह से छुट्टियाँ हैं तो यहाँ पर रजाकाराना तौर पर इनके साथ खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पर सुबह 11 से लेकर शाम 6-7 बजे तक मेरी यहाँ पर ड्यूटी होती है। यहाँ पर इन्हें खाना प्रोवाइड करना, उसके अलावा इन्हें और कुछ ज़रूरत हो, यानी कुछ भी ज़रूरत की चीज़ इन्हें प्रोवाइड करनी हो तो हम यहाँ पर इन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके पीछे मकसद यह है कि लोगों की आवाम करना, आवाम की खिदमत करना, ऐसे लोगों की खिदमत करना। तो हर एक, अगर इनकी खिदमत हम नहीं करेंगे तो इनकी खिदमत कौन करेगा। यहाँ पर दरमान टास्क फोर्स की तरफ से जो है ना, ये गरीब आवाम को राशन मुहैया किया जा रहा है, और इसमें मुख्तलिफ पैकेजेस हैं जिसमें कोटो और ये अफगान महाजरीन, और इसके अलावा और तिमरगरा में भी कई लोग, यानी 450 पैकेजेस जो है ना यहाँ से दरमान हासिल से तकसीम हो चुके हैं। खौफ तो इस वजह से नहीं है कि यहाँ पर हमें फुल जो है ना तहफ़ दिया गया है, हिफाजती किटें दी गई हैं, और इसके अलावा सैनिटाइज़र्स हैं, और घर वाले जो है ना परेशान इस वजह से नहीं होते कि वो भी इस चीज़ पे खुश होते कि हम, मैं आवाम की खिदमत के लिए लगा हूँ। मेरे वाली साहब ने भी आवाम की खिदमत की है, और उन्होंने भी मुझे यही पैगाम दिया है कि भाई तुम भी आवाम की खिदमत करो। और इसी तरह हम भी यहाँ पर, इसी तरह मुस्लिम हमारी बराबर कम्यूनिटी जो है, मुस्लिम भाई जो है दरमान में लगे हुए, खुशकिस्मती मानता हूँ, हमारी कम्युनिटी वाले इस पर बहुत खुशकिस्मती मानते हैं कि मैं यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ।